तो जय हिंद दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है भाई, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भाई इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग बने रहिएगा, तो मैं आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको न्यू अपडेट दिखाता हूँ, क्या न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है। सरकार ने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को पैसा दिलाने के लिए, फिलहाल आप लोग बने रहिएगा, तो मैं आपको न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, शमशेदपुर कोर्ट ऑर्डर ऑन सहारा, सहारा इंडिया के एडमी सुप्रीत राय समेत अन्य के खिलाफ जमशेदपुर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 10 मार्च तक कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है सुप्रीत राय को। उसके बाद चलते हैं नीचे, दिखाते हैं क्या न्यू अपडेट निकल के सामने और आ रही है। तो भाई आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए सरकार भी मदद में है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM निशांत कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में सहारा इंडिया समूह समेत MD सुप्रीत राय, स्थानीय शाखा प्रबंधक राजीव कुमार उर्फ राजू कुमार, संजय कुमार साहू एवं लालजी प्रसाद यादव के खिलाफ भादवी की धारा 323, 341, 406 एवं 34 के तहत संज्ञान लिया है। अदालत ने इन आरोपियों को 10 मार्च तक अदालत में उपस्थित होने की आदेश देते हुए सम्मान जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी अधिवक्ता ब्रिजेश जायसवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि बागवेड़ा गाढ़ावासा के रहने वाला संतोष कुमार बाघ ने सहारा इंडिया में 23,000 रुपये का एक फिक्स डिपॉजिट वर्ष 2023 में किए थे। मैच्योरिटी होने पर उसे कंपनी से 73,125 रुपये मिलना था, पर रुपये देने के लिए टाल मटोल किया जाता रहा। तब जाकर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस जारी कर रुपये भुगतान करने के लिए बोला गया, पर रुपया नहीं दिया। तब जाकर संतोष ने अदालत के सक्षम एक शिकायत का मामला दर्ज कराया था। उसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सब कुछ सुन लिया है। जो लोग का पैसा बझा हुआ है, सरकार के तरफ से पूरी प्रयास है और सुप्रीत राय अब नहीं बचेंगे, आप उनको हर हाल में पैसा देना ही पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिएगा, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मैं एक एक स्टेप आपको बताता रहता हूं जैसे ही न्यू अपडेट आता है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो अपडेट निकल के सामने आती है। फिलहाल वीडियो में इतना है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया। चलते हैं, तब तक लेकर जाए।